हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग फर्स्ट बायो जियो केमिकल साइकिल वाटर साइकिल पढ़ेंगे। वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। इस बायोस्फीयर में वाटर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होता रहता है लैंड, ओशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एयर के बीच में। मतलब वाटर एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट में, फिर बायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक कंपोनेंट में एक साइक्लिक मैनर में ट्रांसफर होता रहता है। इसी को तो बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। चूंकि इस साइकिल में वाटर एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको वाटर साइकिल कहेंगे। अब वाटर साइकिल को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सी से, ओशन से, रिवर से वाटर एवोपोरेट होकर के एयर में जाता है। प्लांट्स के लीफ में जो पोर्स होता है उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से वाटर वेपर एयर में रिलीज होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के वजह से भी वाटर वेपर एयर में जाता है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन में भी वाटर वेपर एयर में रिलीज होता है। ये वाटर वेपर ऊपर जाकर के ठंड की वजह से कंडेंस हो जाता है, दैट मींस वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत भारी हो जाता है तो रेन के जरिए अगेन ये लैंड पे आ जाता है, जिसको कि हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के बाद ये लैंड वाटर नदी के द्वारा बहते हुए वापस समुद्र में कलेक्ट हो जाता है। दैट मींस वो प्रोसेस जिसमें वाटर एवोपोरेट होता है, फिर बारिश के रूप में लैंड पर आ गिरता है और बाद में रिवर से होते हुए समुद्र में चला जाता है, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। इस प्रोसेस में वाटर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होता है एयर, लैंड, ओशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। और वाटर साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? सबसे पहले एवापोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन और उसके बाद कलेक्शन। ये प्रोसेसेस एक के बाद एक साइक्लिक मैनर में होता रहता है। जो भी पानी रेन के रूप में धरती पे गिरता है वो सारा का सारा और तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता। कुछ पानी धरती के अंदर चला जाता है और ये अंडरग्राउंड वाटर बनाता है। ये अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर कभी कभी स्प्रिंग के जरिए धरती के ऊपर आ जाता है और कभी कभी हम ह्यूमन बींग्स कुआं बनाकर, तालाब बना करके, ट्यूबवेल बनाकर इस अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर को ऊपर लाते हैं। ये फ्रेश वाटर ह्यूमन बींग के साथ साथ सभी टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को तो सॉइल से, अंडरग्राउंड वाटर से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। मरीन ऑर्गेनिज्म्स को कैसे मिलता होगा? हमने अभी देखा कि वाटर रिवर से होते हुए सी में जाकर कलेक्ट हो जाता है। जब पानी लैंड के ऊपर, रॉक के ऊपर फ्लो करता है तो रॉक के न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ये न्यूट्रिएंट्स रिवर से होता हुआ समुद्र में चला जाता है और इस न्यूट्रिएंट्स को मरीन ऑर्गेनिज्म्स यूज करता है। दैट मीन्स रिवर वाटर कैरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लैंड टू सी। दिस इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट साइकिल। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।